हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड पे जिस पे ट्रिबल रोम सपोर्टेड है उस पे नोबिया ओएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको नोबिया ओएस की जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएंगे, उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो ये तीन फाइल आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये दो फाइल के लिंक भी आपको मिल जाएंगी, तो इन दोनों फाइलों को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके मोबाइल को ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके मोबाइल पे अगर ट्रिबल सपोर्टेड रोम पहले से इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके मोबाइल के लिए कोई भी ट्रिबल रोम हो उसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली आपका जो भी मोबाइल है उसकी ट्रिबल सपोर्टेड रोम डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल है उसको हम रिबूट टू रिकवरी कर देते हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल पे ट्रिबल सपोर्टेड रिकवरी नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, तो आपको ट्रिबल सपोर्टेड रिकवरी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो मोबाइल है उसका बैकअप ले लेना है, यानी कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, आपका जो भी डेटा है उसका बैकअप ले लेना है। बैकअप बन जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल पे पहले से ही कोई भी ट्रिबल रोम इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मेरे मोबाइल पे यानी कि रेडमी 3S प्राइम पे अभी मेरे पास MIUI थी, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिबल सपोर्टेड रोम है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सिस्टम को वाइप कर देना है, डेटा को वाइप कर देना है, उसके बाद ट्रिबल सपोर्टेड कोई भी रोम जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं RR रोम को यूज़ कर रहा हूँ एज अ बेस रोम, तो यहाँ पर RR रोम जो है वो इंस्टॉल हो रही है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ और आगे का आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आगे आपको क्या करना रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरी जो ट्रिबल सपोर्टेड रोम है वो इंस्टॉल हो गई है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वापस से जो है वो ये सब वाइप करना है, क्योंकि हमें क्लीन फ्लैश करना है ताकि हमें कोई भी आगे परेशानी ना आए। तो क्लीन फ्लैश हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वापस से इंस्टॉल पे क्लिक करना है, नोबिया ओएस की जो फाइल है उसको इंस्टॉल करना है और थोड़ी देर तक वेट करना है जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाता। दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी एरर आ रही है, एरर 7 या फिर 6, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है वो गलत है या फिर आपने जो रिकवरी लगाई है वो गलत है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी जो रिकवरी है उसको अपडेट कर देना है और आपकी फाइल को एक बार चेक कर लेना है। तो अभी मैं जो है वो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो भाई, इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ से वाइप कैच कर देना है, उसके बाद वापस से यहाँ पर मेन मेन पे आ जाना है, सिस्टम को, डेटा को, वेंडर को, इन सभी को माउंट कर देना है आपने। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है, पेज 1 को और पेज 2 को जो है वो आपने प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले पेज 1 की फाइल, उसके बाद पेज 2 की फाइल। अगर दोस्तों आप उसमें मिस्टेक करेंगे तो आपका ये जो पूरा प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं होगा और आपकी रोम बूट नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले पहली फाइल, उसके बाद दूसरी फाइल करनी है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के लिए ये दोनों फाइलें ज़रूरी है, यानी कि इंक्रिप्शन का आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे भी आया है, तो इन दोनों फाइलों को भी आपने प्लेस कर देना है। सबसे पहले परमिश यूआर, उसके बाद FPE जो फाइल है उसकी, उसको आपने प्लेस कर देना है। तो बस दोस्तों, इतना हो जाने के बाद अभी आप जो अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो बूट एनिमेशन है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। दोस्तों, इसकी एक खास बात है कि जो हमारा बूट एनिमेशन है उसके दौरान यहाँ पर ब्लिंकिंग होने लगेगी आपके डिस्प्ले और शायद आपका जो मोबाइल है वो रिस्टार्ट होने लगेगा। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा आपको आएगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली थोड़ी देर तक वेट करना है, ऐसा वॉलपेपर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बूट एनिमेशन आ जाएगा और थोड़ी देर तक वेट करना है, यानी कि 5 से 6 मिनट आप वेट कर लीजिए, अपना जो मोबाइल है वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो भाई मेरा जो मोबाइल है वो भी स्टार्ट हो गया है और मेरी iOS कम्प्लीटली वर्क कर रही है, इंस्टॉल हो गई है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल स्टार्ट नहीं हो रहा या फिर बूट होने के बाद कुछ साइन अप का आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल ही अपना जो मोबाइल है उसको रिबूट टू रिकवरी कर देना है, सिस्टम को माउंट करना है और उसके बाद उसमें प्री एप्स का जो फोल्डर है उसमें जाके जो सेटअप का फोल्डर है उसको निकाल देना है, यानी कि डिलीट कर देना है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों वोल्ट वर्किंग है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैमरा जो है वो भी वर्किंग है। सभी मोबाइल के लिए कैमरा चलेगा या फिर नहीं चलेगा वो मैं बता नहीं सकता, पर 3S Prime में जो है वो फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पर फ्लैश लाइट वगैरह जो है वो वर्किंग है, यहाँ से आप डायरेक्टली जो मल्टी विंडो है वो कर सकते हैं, यानी कि स्प्लिट स्क्रीन का दूसरा नाम है ये। तो यहाँ पर आप दो ऐप को एक ही साथ जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पे आपको एंड्रॉयड 8.1 मिल जाता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 8.1 मिल जाता है और नोबिया ओएस का जो लेटेस्ट वर्जन पोर्टेड है वो आपको मिल जाता है इस पे। तो दोस्तों अगर आपको इस रोम के रिगार्डिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी मुझे पूछना है तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन से या फिर टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से मुझे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।